स्पाइडर बॉय। मेरा बलून है कि यहाँ छिपाए हुए हैं। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू द न्यू व्लॉग। आज है अमित का बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू हिम। आज है उसका बर्थडे, तो आज बर्थडे प्रिपरेशन के लिए अभी स्टार्ट कर रहे हैं। और उसके लिए सबसे पहले मैं बना रही हूँ बनाना वॉलनट केक और भी बहुत कुछ, जो पर सारा कुछ होममेड ही बना रहे हैं, क्योंकि अभी मेरे लिए सेफ नहीं है बाहर का खाना, तो सारा कुछ घर में ही बना रहे हैं। मैं और मेरी मम्मी मिलके तैयारी कर रहे हैं। लेट्स सी क्या क्या आता है आगे। तैयारी शुरू करती हूँ। सारा कुछ यहाँ रख दिया है मैंने। वैनिला एसेंस, हाफ स्पून डालें। और तो कुछ लिक्विड वाला नहीं बचा। नाउ द टाइम फॉर मैदा, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर एंड शुगर को भी मैंने पाउडरी फॉर्म में बना दिया है। 1 कप मैदा, 1/2 कप पाउडर शुगर, देन 1 स्पून बेकिंग पाउडर एंड 1 पिंच बेकिंग सोडा। बहुत इजी सा और हेल्दी सा केक है। थोड़ा सा गाढ़ा हो रहा है, तो इसमें थोड़ा सा मिल्क भी मैं ऐड करने वाली हूँ। मिल्क से भी टेस्ट अच्छा आता है, ये मेरा खुद का है। ये मम्मी ने जलेबी तैयार कर दिया है। अभी केक बनाई, होममेड जलेबी भी रेडी है। और अभी केक बना ही रहे थे कि बीच में फिर खाने भूख लग गई, तो मैं खाना खा रही हूँ। पूरी खाना में बनाया, पूरी, पनीर की सब्जी एंड ये खीरा और ये व्हाइट रसगुल्ला। तो मिलते हैं खाने के बाद। वैसे तो हम लोग नॉनवेज प्रेमी हैं, पर इतने जल्दी जल्दी नॉनवेज खाना इज नॉट डाइजेस्टेबल, तो इसलिए आज का खाना प्रॉपर वेज की तरह वेज है। पनीर की सब्जी है, बैंगन की सब्जी है, और नाश्ते में है समोसा है, फ्रेंच फ्राइज है एंड और यह केक भी है, और मीठा में जलेबी भी बन गया, और मेरा फेवरेट ये भी है। काफ़ी इससे ज़्यादा अभी फिलहाल नहीं हो पाएगा मेरे से। खाने के बाद अभी फिर थोड़ा सा डेकोरेशन करेंगे
कुछ लाइट वाइट से, उसके बाद फिर बर्थडे बॉय को दिखा देंगे सब कुछ, क्योंकि उसको लग रहा है कि अभी कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि इस कंडीशन में अभी मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, इसलिए उसके लिए सब सरप्राइज है। सो ये है परमानेंट गिफ्ट बॉक्स, जो जब मन करे यूज करते हैं, जब मन करे दूसरा चीज रख देते हैं। इसमें अभी छोटो मोटो उसका फेवरेट खाने का चीज रखी है, जैसे कि ये ओरियो बिस्किट मेरे लिए आता है और सारा खुद ही खा जाता है हमेशा। अभी लगाओगी? नहीं अभी नहीं, अभी रखना ही ठीक है। बन गया। अरे अरे रुको रुको, ये फ्रंट केक तो दिखाई नहीं। केक माइक्रोवेव में, मेरा माइक्रोवेव धोखा दे दिया, तो मम्मी का कुकर जिंदाबाद, कुकर रेसिपी। अच्छा स्पंजी है, ऐसे रखना। सो ये आया आज अमित का गिफ्ट, ये है मेरी तरफ से जो वो खुद पसंद किए हैं। अच्छा जरा सा इस गिफ्ट का एक्सप्रेशन दे दो ना, कुछ बचपन की यादें आएंगी। तुम देखो आप सही में, देखो तुम्हारे लिए ये वाला ले, ढूंढ ढूंढ के लाए। और बता तुम्हारे ये वाला, ये हाँ।
ओरियो बिस्किट तो खुश हो गए बहुत होने वाले डैडी। इसमें तुमको नहीं मिलेगा कुछ ना, ये ओरियो ओरियो मिलेगा। पापा केक कैसा लगा? देखो पापा को केक इतना पसंद आ रहा है, देखो ना खुशी से निकला। मेरा क्या, मेरा बलून है क्या छिपाए हुए? अच्छा बना बहुत थक गए। अब हिम्मत नहीं हो रहा है आगे ब्लॉग कंटिन्यू करने का, अभी हम दिखा दे रहे हैं उसके लिए नाश्ता ले जा रहे हैं। नाश्ता नहीं, उसका यही खाना होता है, उसको समोसा इतना पसंद आता है कि खाने की तरह ही खाता है। और दूसरे दिन का, आज के लिए दूसरे दिन का भी फरमाइश दिया चिकन बिरयानी, तो नेक्स्ट टाइम यही चलेगा। तुम जा रहे अभी उसके पास, नेक्स्ट आइटम क्या चाहिए? मैं नेक्स्ट आइटम तुम बोले, आज नहीं तो दूसरे दिन बर्थडे के लिए बिरयानी, चिकन बिरयानी। तुम्हारे हाथ का? हाँ, हाथ का। आराम से गम है। ये पसंद है? ये पसंद आया? किन्ना इन्ना सारा हैप्पी बर्थडे।